तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आ जाइए खड़ी अपनी टाटा नैनो। और भाई टाटा नैनो से निकल रहे हैं अपन नैनीताल, क्योंकि भाई अपने पास थोड़ा सा ना एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो हमने सोचा क्यों ना जिम कॉर्बेट से निकल के नैनीताल जाया जाए। तो भाई देखो अभी अपनी गाड़ी की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी तो टाइट है, कि मतलब इसकी क्लच प्लेटें ख़राब हैं, बट कल इसने मोहन पे भाई बहुत अच्छे से गाड़ी ने एक नंबर बढ़िया वाला काम किया है। तो भाई अभी अपने को तो यही है कि भाई ये गाड़ी मज़े से चली जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी के अंदर। तो भाई अभी से लेकर जा रहे हैं नैनीताल। तो भाई कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना इसके पीछे के शीशे भी काले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैंने भाई अपने मज़े के हिसाब से गाड़ी के शीशे काले करा, अपन दूसरों के नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि भाई गाड़ी के पीछे के भी शीशे काले कराने या नहीं कराने, जैसे आप कहोगे फिर वैसे कराएंगे। और एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ गाड़ी कैसी लग रही है। तो भाई चलते हैं फटाफट से जिम कॉर्बेट नैनीताल की साइड और मिलते हैं आपसे अभी रास्ते में। अभी हमने चेकआउट करा अपने रिजॉर्ट में, तो यहाँ से अब निकल रहे हैं जिम कॉर्बेट नैनीताल जाने के लिए और चलते हैं देखते हैं क्या रहता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ भाई गाड़ी कैसी लग रही है। नहीं होए ओ ए। तो भाई अब फाइनली चलो अपन नैनीताल के निकल गए। लेकिन जूती को देखो बीड़ा, मुंह मेरा नहीं गंदा, कदमों में दुनिया, गांडू बैठा जीप में। तो अब यहाँ से देखते हैं भाई चलते हैं। अब बस एक थोड़ा सा ड्रामा हो रहा है, मेरे पास ना गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है यार, अपनी गाड़ी का ना इंश्योरेंस एक्सपायर है। तो अभी आगे लास्ट टाइम एक जगह चेकिंग थी, वहाँ पे तो छोड़ दिया था उन्होंने, पर देखते हैं नैनो के लिए थोड़ा सा ड्रामा ना करते हैं यार, देखते हैं। अरे वो मतलब कहने का मतलब ये, सेंट्रो का भी इंश्योरेंस नहीं था तो उन्होंने पकड़ लिया था, मगर उस टाइम पे तो छुड़वा लिया था। आज भी देख लेंगे, बात बात करके कहते हैं अंकल वही हूँ मैं बंदा। तो गाइस फाइनली अपनी जो नैनो है वो नैनीताल के रास्ते पे आ गई है और ये रहा नैनीताल का बोर्ड। और भाई आज किस्मत से देख लो पंकज भाई रास्ता भी खुला हुआ है, उस दिन बंद था ना, देखो आज रास्ता खुला हुआ है। तो भाई ये रास्ता ना थोड़ा सा बढ़िया है नैनीताल के लिए, तो आई एम ग्लैड कि ये रास्ता खुला हुआ है। और इस चूते को देखो दिल्ली नंबर को वाइपर चला के गाड़ी चला रहा है यार, कहते ही आंडल आदमी। अबे अब चल जा फटाफट से दिखा दे एक बार, एक और बार ये देखो, देख रहे हो ये होते सूखे नशे। तो भाई चलो फटाफट से आपको नैनीताल के दर्शन कराते हैं। एंड आई होप भाई देखो तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो यार, मतलब मैं 1-1.5 लाख रुपए कमाऊंगा ना, इस गाड़ी को मैं खाई में डाल दूंगा और बताओ, क्योंकि मैं नई नैनो बनवाने के लिए दोबारा पैसा होगा मेरे पास। फाइनली चेक दिस आउट, हमारी गाड़ी जो थी पूरी फंस गई थी भाई, मगर हमने फाइनली इसे निकाल लिया था। और निकालने के बाद भाई अब हम इसे ले आने के ताल के देखो रास्ते पे लेके जा रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं करते हैं अब इसको आगे लेकर चलते हैं। भाई फाइनली अपनी जो नैनो है वो जैसे तैसे करके भाई आधा नैनीताल तक तो लिया है, अब पता नहीं आगे जा पाएगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो हमने सोचा थोड़ी देर अभी रुकते हैं, इसे आराम देते हैं यहाँ पे और गाने गुने चला रखे हैं भाई। तो भाई आज नैनो की हमने बहुत ज्यादा एंड कर दिया है, बहुत ज्यादा। लो भाई अंकल मैगी बना रहे हैं एक नंबर, मस्त सी। कितने की अंकल मैगी? बस देखो भाई साहब इस वीरान में देखो अंकल मैगी खिला रहे हैं सिर्फ 50 रुपए की। तो भाई देखो नैनीताल के रास्ते में पड़ती है ये अंकल की दुकान, यहाँ आओ मैगी खाओ, मैगी का खाओ सब कुछ खाओ। और ये देखो इस ताजी हवा का मजा लो भाई, एक नंबर मजा। क्या नाम है अंकल आपका? है मोहन सिंह। अरे अंकल तो मोहन सिंह है अपने अंकल, एक नंबर बढ़िया बंदे हैं भाई साहब। अंकल ये गाड़ी पता है कौन सी है? अरे बेहतरीन बेहतरीन भाई साहब, देख लो जलवा है गाड़ी का। आइए अंकल ये गाड़ी आई है यहाँ पे पहले कभी? आइए, वो भी मैं लाया था, पहले भी हम यही आए थे। तो बोलो ओम शांति। अंकल मैगी मसाला का पैकेट अगर होना एक्स्ट्रा वो डाल देना, वेजिटेबल मैगी बना रहे हो ना अंकल? हाँ डाल दो, सब डाल दो, जहर छोड़ के सब डाल दो इसमें आगे। हाँ मिर्च रहन देना बस। तो भाई देख लो भाई 2 मिनट की मैगी हर कोई बना देता है भाई। अरे भाई साहब ये क्या अंकल अंडे रखे हुए हैं? ओ भाई साहब अंकल ने देखो डब्बे में अंडे रख रखे हैं, क्या बात है क्या बात है। सब कुछ है भाई अंकल के पास, यहाँ पे सब कुछ है।
और डंडा भी है, अगर पैसे ना भरो तो डंडे से कुटाई भी कर देंगे। लास्ट टाइम अपन आए थे, अपना बिल्कुल भी बजट नहीं था इसका, 200 रुपए नहीं थे हमारे पास एक्चुअली ना, तो अभी अपनी गाड़ी वो खड़ी कर दी, तो मैंने सोचा पता नहीं मौका मिले ना मिले, तो मैंने कहा भाई अभी इसे कर ही लेता हूँ। तो भाई अभी 200 रुपए है इसका, अभी ये वाला करेंगे, एक नंबर फन होगा इसके अंदर, बुला ले। चलो भाई फाइनली आज गुब्बारे के अंदर, पिछली बार पैसे नहीं थे। ओहो, तो भाई देखो वीडियो तो शायद मुझे मुश्किल ही लग रही है, तो मैं होकर आता हूँ फिर बताऊंगा कैसा लगा। चलो भाई फाइनली अपन पेट्रोल पंप पे आ गए नैनीताल के, तो अपनी गाड़ी जो है भाई पहुंच गई है, और भाई चेक कर लो पूरा पेट्रोल, मतलब काफी देर पहले नीचे ही खत्म हो गया था इस गाड़ी के अंदर, बट हम इसे जैसे तैसे करके ना ऊपर तक ले आए हैं, तो अब इसकी टंकी फुल करा लेंगे, और फुल करा के, और भाई अपनी जो गाड़ी है ना 511 किलोमीटर टोटल चली है, टोटल 511। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितनी चल जाएगी चल जाएगी, तो बस अब इसके अंदर पेट्रोल डलवाई लेते हैं। तो फाइनली गाइस अपनी जो नैनो है लकटकिया नैनो पहुंच चुकी है नैनीताल, और भाई ये देखो अपना मन्नू महारानी, मन्नू महारानी के पास तक अपनी गाड़ी जो है आ चुकी है, और एक नंबर बातचीत आ रही है अपनी गाड़ी के, भाई टंकी हो गई है गाड़ी की फुल, भाई 2700 रुपये का पेट्रोल आया भाई अपनी गाड़ी में, 511 किलोमीटर गाड़ी चली है, जिसमें हमने कुत्ता भी बनाया है, पहाड़ों पे भी चलाया है, ऊबड़ खाबड़ में तो इतनी चलाई है कि पूछो मत। इस भालू को देखो, भोसड़ी वाले को, मोटे गंडेरी चलने, सॉरी गाइस ये सब डिस्ट्रैक्शन होती है इन सब चीजों, और जियो बाहुबली। तो गाइस पता है नहीं नैनीताल में देखो जाम तो वैसे बहुत ज्यादा है, पर फाइनली जो अपनी नैनो है ना वो पहुंच गई है, और गाइस देख लो वो सामने वाला होटल, जब बेलेनो से आए थे वहां रुके थे, और यहां पे पार्किंग भी है, पर अभी चलो कोई नहीं, गाड़ी पहले आगे लगाते हैं और फिर ना थोड़ा सा देखेंगे पैदल चल के कि क्या हिसाब किताब है, और जो मॉल रोड वाली पार्किंग है जो तिब्बतन मार्केट है वो तो मेरे को कंफर्म पता है कि वो बंद ही होगी, तो आगे का तो रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन देख के गाड़ी टिका देंगे हम अपनी अभी, और फिर पैदल चलेंगे। पानी नहीं है ना।